लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने जितना नुकसान इस राजस्थान की जनता का किया है उतना मैं सोचता हूं कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। 4.5 साल तक ये लड़ते रहे और राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे और देखते रहे लोग, और बहन बेटियों पे बलात्कार होते रहे, क्राइम बढ़ता गया, एक नंबर पे पहुंच गया, और जिस तरह से राजस्थान को गर्त में डालने का इन्होंने 4.5 साल काम किया, और राजस्थान बहुत पीछे रहेगा इन 4.5 सालों के अंदर। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो केंद्र की सरकार बनेगी और दोबारा, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें वो विकास करवाएंगे, और जैसा यूपी के अंदर आज विकास हो रहा है, गुजरात के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, वही विकास हमें आने वाले समय में। राजक्रम तो विकास का है, यहाँ पर आज लोगों को बहुत उत्साह है और आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी भीड़ उमड़ रही है, सब नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हमारे उनको देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश का मान बढ़ा रहे हैं, आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो अगर जो 9 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत का विकास जो करवाया, अगर यूपीए की सरकार ने ये काम पहले कर लिया होता तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अपनी जेब भरने का काम किया, लूटने का काम किया, गरीब जनता का खून सूंघने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज काम हो रहा है और सीधा पैसा भी किसान के अकाउंट में जा रहा है, कोई बीच में लीगेज नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है, और इसी के आधार पर मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का विकास रहा है वो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने देखा है, और आने वाले टाइम में जनता सत्य के साथ रहेगी, विकास के साथ रहेगी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव होगा। भाजपा के निश्चित रूप से लोगों का मन बन चुका है और विकास के साथ रहेंगे, और आज एक इतिहास रचा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कई इतिहास रचे गए, आज चाहे गरीब कल्याण की योजना से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो आज रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, आज जिस तरह से विकास हो रहा है इससे निश्चित रूप से भारत विकसित होने की जो हमारी कल्पना है वो पूरी होगी। आज यहाँ पर जैसा कि बीकानेर में जिस सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है जो गुजरात और पंजाब को जोड़ने का काम करेगी, इस सड़क से जितने दूरियाँ भी कम होगी और बहुत ही शानदार सड़क बनाई गई है, जिससे जैसा कभी हम दूसरे देशों में जाकर देखते थे तो वहाँ पर हमें ऐसी सड़कें देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी शानदार सड़कें बनी हैं, और ये पूरे देश के अंदर चाहे वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट हो, चाहे कहीं पर भी हो, ये देश के लिए विकास के लिए जो हमारी कल्पना है भारत आने वाले समय विकसित राष्ट्र बने, तो उसको निश्चित रूप से ये सड़क मार्ग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज यहाँ पर रेलवे का भी जिस तरह से काम शिलान्यास और अन्य कई उद्घाटन किए जा रहे हैं, तो ये काम जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे काम हो रहा है, ऐसा काम अगर पहले जिन लोगों ने 60 साल यूपी की सरकार ने शासन किया उन्होंने किया होता तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन उन लोगों की सोच वो थी नहीं, और भ्रष्टाचार करो, देश को लूटो, यही चला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास हो रहा है जो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, और उसी की सौगात आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास रखती है, और विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी उस समय हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे किए थे। पहले तो वो किसानों के जो संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात कर रहे थे वो कर्जा माफ़ कर दे, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी वो अभी तक दिया नहीं, और जिस तरह से झूठी बातों को परोसने का काम अशोक जी गहलोत कर रहे हैं, ये चुनाव के वक्त सिर्फ चुनावी जुमला है लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर उनको वास्तव में जनता का काम करवाना था तो 4.5 साल तक तो वो नींद रहते रहे और होटलों में बंद रहे, सरकार को बचाने में लगे रहे, लेकिन वास्तव में उनका काम सिर्फ जनता को गुमराह करना पहले उन्होंने चुनाव से पहले किया था, और वही काम अब वापस कर रहे हैं।